क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी फिफ्थ, ठीक है, हमको बोला है जनरल ऑफ ए बनाने, जनरल ऑफ बी बनाने में, क्वेश्चन को शॉर्ट में समझाता हूँ। क्वेश्चन है क्या हमारा ना, क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि ए बी, ए सेल कर रहा है 1,000 का गुड सेल कर रहा है बी को, उधार बेच रहा है, ठीक है, उधार बेचा, बी पेमेंट, उधार बेचा तो बी पेमेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ए सेफ्टी के लिए क्या किया, एक तो बिल इसको लिख के दिया, बिल इसको साइन करके लौटा रहा है, बिल लिख के इसको देने का एंट्री नहीं करते, क्योंकि बिल अगर मैं किसी को दूं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, जब साइन हो जाता है उसकी वैल्यू होती है, बिल साइन करके वापस लौटा दिया, ठीक है, बिल कितने महीने का है, 3 महीने का बिल है, 3 मंथ का बिल बी साइन करके लौटा दिया, अब 3 महीने बाद क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, 3 महीने बाद, ठीक है, तो अगर 1 जनवरी 2006 का बिल है, 1 जनवरी 2006 का बिल है, तो इसके 3 महीने बाद आता है, 3 महीना अगर मैं जोड़ दूं यहां से तो आता है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल में आप 3 दिन जोड़ दो, 3 दिन 3 डेज जिसको बोलते हैं ग्रेस डेज या अनुग्रह दिवस जोड़ देते हैं, तो आंसर आएगा हमारा 4 अप्रैल 2006 हमारा आंसर, ठीक है, इस तारीख को पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम लोग, जर्नल आप कॉलम खींच के बनाना, जर्नल ऑफ ए बना रहा हूं मैं पहले, ठीक है, ए, ए की पुस्तक में ए का नाम कभी भी नहीं आएगा, ए क्या लिखेगा कि मैं बी को माल बेचा, ठीक है, ए क्या लिखेगा, कभी भी अपना नाम लिखेगा, वो लिखेगा कि ए बी को सेल किया, बी को सेल कर रहे हैं, गुड सोल्ड टू बी, बी को माल बेचा, तो एंट्री क्या होता है, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी को बेच रहे हैं तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कौन लिखेगा, ए, ए कभी भी अपना नाम नहीं लिखेगा, कोई भी दुकानदार अपना नाम नहीं लिखता, उसको तो पता है ना अपना नाम, सामने वाले का नाम लिखता है किसको बेचा किसको खरीदना है, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधार बेच दिए 1,000 रुपए का, जो कि फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री, इसी दिन क्या हुआ, ए जो है बी को माल बेचा था, इसी तिथि को सेम यही डेट पे वो बिल इसको लिख के दिया, उसकी एंट्री नहीं करते हैं, ये बी साइन करके देता है, बी क्या कर रहा है, साइन करके दे रहा है, मतलब स्वीकृति दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा 3 महीने बाद, 3 महीने का बिल लिख के दिया, तो हमारे पास ए क्या बोल रहा है कि मेरे पास बिल आ रहा है, डेबिट, देने वाला कौन है, गिवर, बी क्रेडिट, ठीक है, बिल हमारे पास आ रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है इस बार, बी टू बी अकाउंट, बीज अकाउंट लिख सकते हो या फिर बी लिख सकते हो, ठीक है, इसका नरेशन होता है बीइंग, जो क्या किया अपना एक्सेप्टेंस दिया है, स्वीकृति दिया है, तो वो लिखते हैं बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, आपको बिल रिसीव हुआ है लेकिन हम लिखते हैं कि स्वीकृति मिला, बिल आने जाने के एंट्री करते हैं, उसका स्वीकृति का ना मेन जो साइन जो हुआ ना उसका बी का वो इंपॉर्टेंट है, 1,000 रुपए 1,000 रुपए, अब 3 महीने का बिल था, 1 जनवरी से 3 महीना होता है, 1 जनवरी से 3 महीना था, 1 अप्रैल, इसमें 3 दिन अगर आप जोड़ दो कितना आएगा आंसर, 4 अप्रैल, 3 दिन अनुग्रह दिवस जोड़ देते हैं हम लोग, है ना, ग्रेस डेज, 4 अप्रैल को पेमेंट आएगा, पेमेंट आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, एक हाथ से उसको बिल वापस करूंगा और एक हाथ से पेमेंट उसे ले लूंगा, ठीक है, मुझे जो पेमेंट देगा बस मैं क्या करूंगा, बिल वापस कर दूंगा, तो मेरे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश आ रहा है और बिल मेरे पास से वापस जा रहा है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, बिल आया था तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 4 अप्रैल को वापस कर दिया और पेमेंट हम लोग ले लेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, 1,000 रुपए 1,000 रुपए, पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव लिख सकते, पेमेंट मेड ऑफ बिल, बिल का पेमेंट रिसीव हो गया, ठीक है ये हो गया, अब ऐसे ही हम लोग जर्नल ऑफ बी बनाते हैं, जर्नल ऑफ बी, जर्नल ऑफ बी, अगर ए बी को सेल कर रहा है तो बी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है,
किससे? ए से। बी क्या लिखेगा कि मैं ए से परचेज कर रहा हूं, ए से खरीद रहा हूं, ठीक है। कब भाई? सेम 2006 1 जनवरी को वो लिखेगा परचेज कर रहा हूं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, ए से परचेज कर रहा है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार खरीद रहा है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कितने रुपए का? 1000 रुपए का परचेज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड, 1 जनवरी को वो क्या किया? बी परचेज किया और तो 3 महीने का बिल साइन करके दे दिया, तो बिल साइन करके देगा तो ए पाने वाला है, बी क्या लिख रहा है? बी अपना नाम नहीं लिखेगा, वो लिखेगा कि मेरे मैं 1000 का परचेज किया और बिल दिया, किसको दिया? ए को। ए पाने वाला है, रिसीवर है, तो ए डेबिट टू, जो बिल साइन कर देता है उसके लिए होता है बिल पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट, जो बिल साइन कर देता है उसके लिए होता है बिल्स पेबल अकाउंट, बीइंग गुड्स सॉरी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं हम लोग, एक्सेप्टेंस देने को बोलते हैं गिवन, थर्ड फॉर्म गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। 1000 रुपीज 1000 रुपीज, फिर उसके बाद फोर्थ अप्रैल को पेमेंट कर दिए, तो बिल क्या करेगा? बिल साइन करके दिया है तो बिल को वापस लेगा और पेमेंट उसको कर देगा, तो बिल वापस लेगा, जब दिया था तो बिल्स पे बल अकाउंट क्रेडिट, अब बिल उसके पास वापस आ रहा है, वापस आ रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज 1000 रुपीज, ठीक है। बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को मतलब जो दे दी थी था देने का जब कर था उसका उस दिन का पेमेंट कर दिया, ठीक है। टोटल कर लेना 3000 3000 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट।